श्री साईं बाबा समाधि महोत्सव का आयोजन आज पटना सिटी के लोधी कटरा में श्री साईं समाधि कथा, श्री साईं भजन संध्या, श्री साईं महाआरती का आयोजन हुआ। इस मौके पे साईं भक्त महिला पुरुष काफी संख्या में बाबा के कार्यक्रम में शामिल होकर बाबा के भजनों पे झूमते दिखे। बाबा का एक से एक भजनों से भक्तों को झूमने में मजबूर कर दिए। वहीं आए भक्तों को अंग वस्त्र भी दिया गया। बताया जाता है कि इस दिन साईं बाबा ने सिटी में समाधि ली थी। जिस दिन साईं बाबा ने समाधि ली उस दिन विजयादशमी थी। साईं बाबा को समाधि लिए हुए पूरे 104 साल हो चुके हैं। बाबा आज भी भक्तों के मन में विराजमान हैं। भक्त सिटी जाते हैं, उनकी समाधि के दर्शन करते हैं। यदि आप बाबा की आत्मा की पूजा करते हैं तो बाबा प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो साईं बाबा के दर्शन के लिए जाता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। स्वर्ण रानी के साथ न्यूज 24 की रिपोर्ट। ऐसी जगह पर यहाँ पे बहुत शांति मिलती है। आप सबका बहुत-बहुत। न इसमें किसी के पहचान की जरूरत है, न किसी के परिचय की जरूरत है। तो हम लोग ऐसे दरबार में हाजिर है जिनके लिए एक ही नारा है कि सबका एक समान, सबको एक जैसी दृष्टि, सबका उपकार हो, कल्याण हो। तो हम लोग कोई विशेष कारण से नहीं आते, अपने आत्मा की संतुष्टि के लिए आते हैं। तो ऐसे जगह पे आके वाकई मन को जो शांति सुकून मिलता है। आज साईं बाबा का किस तरह का कार्यक्रम है और क्या मनाया जा रहा है इनका? साईं बाबा को समाधि लिए 104 वर्ष हो गए। 15 अक्टूबर 1918 बाबा साईं ने समाधि लिया था दोपहर 2:30 पे, और आज 104 साल बाबा को समाधि लिए हो गए। बाबा नश्वर शरीर को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में चूँकि पहले व्याप्त हैं, पुनः व्याप्त हुए हैं, उसी नई ऊर्जा का ध्यान करते हुए बाबा का ध्यान कर रहे हैं, बाबा का गुणगान कर रहे हैं, जिसके लिए आयोजन किया गया है। जिससे सभी भक्तों के कल्याण के लिए आज दोपहर 1 बजे से समाधि पाठ रखा गया था। उसमें लगभग 101 महिलाओं ने बैठकर समाधि पाठ किए हैं, और उसके बाद शाम को भजन संध्या होती है, जिसमें बहुत सारे सिंगर आ रहे हैं और बहुत सारे विशेष अतिथि आ रहे हैं। तो बाबा का आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद में बाबा का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सभी भक्तों के लिए लगभग 2000 लोगों के लिए प्रसाद का वितरण का खिचड़ा प्रसाद का व्यवस्था भी किया गया है। सब लोग बाबा का आशीर्वाद प्रसाद भी लगाएंगे, और बाबा सबका कल्याण करे, सबका भला हो, इतनी शुभकामनाओं के साथ सबको बहुत उत्सव मनाया जा रहा है समाधि का, उसी के उपलक्ष्य में संगीत मिल रहा है। क्या क्या यहाँ पे कार्यक्रम होगा? अभी संगीत का कार्यक्रम होगा। क्या नाम है आपका?